यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जब वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों के एग्जाम जो है वो अब जून के अंदर होने वाले हैं, मतलब जून 2024 के एग्जाम जो है वो जल्दी आने वाले हैं। और आज हो गया 1st of April, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं ये मानता हूँ कि एग्जाम के लिए अपने पास में 2 महीने अवेलेबल है। ओके, इन्हीं 2 महीने में अपने को रिविजन भी करना है, सिलेबस भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, तो जाके बात बनेगी। ओके, तो आप लग जाइए। अब अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अब आप जो है वो प्लीज लग जाइए तैयारी के ऊपर, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर आप लेके बैठोगे तो चीजें बड़ी वर्स्ट हो जाएंगी और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी से आप लोग जो है वो प्रिपरेशन के ऊपर लग जाओ। अभी से अगर एक पूरा मतलब एक रोड मैप बना के चलोगे, एक सिस्टम बना के अगर आप तैयारी करोगे तो फिर तैयारी भी अच्छी होगी और जो आपका ऑब्जेक्टिव हो आराम से पूरा भी हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में बोदरेशन होगा, ठीक है ना। तो लग जाइए तैयारी पे। और कैसे तैयारी करनी है तो उसके लिए मैं एक वीडियो भी अलग से बना दूंगा कि इस शॉर्ट टाइम स्पेन के अंदर हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि हमारा सिलेबस, हमारी रिवीजन, हमारी प्रैक्टिस सब कुछ बढ़िया हो और रिजल्ट भी हमारा जो है पॉजिटिव आए। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाकर यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है ना, वो आप देख लेना। अच्छा, अब सर आज हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है शुरुआत करेंगे हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स, जो हमारा सेकेंड पेपर है पेपर नंबर 2 कॉमर्स का, उसका यूनिट नंबर 10। जो यूनिट नंबर 10 है डेट इज द इनकम टैक्स का, इसको हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी जो यूनिट है, यूनिट का नाम है इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। ये अपने को आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। तो क्या है, एनटीए ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब यूजीसी ने जो सिलेबस दिया हुआ है वो अपने को पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम में सिलेबस के अलावा क्या चीजें पूछी जा सकती हैं उसको भी हम लोग जो है वो पूरा का पूरा कवर करके जाएंगे। लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ में सब कुछ जो है वो हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको बिल्कुल लेटेस्ट जो हमारा फिनांस एक्ट आया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो एक तो ये क्लैरिटी नहीं है इस टाइम पे कि हमको फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ के जाना है, हमको फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ना है, 2023 पढ़ना है या 2024 पढ़ के जाना है, तो उसकी भी क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। प्लस में सिलेबस क्या है उसका क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। प्लस में इनकम टैक्स होता क्या है, किस तरीके से कंप्यूटेशन होता है, वो सब हम लोग जो है आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। अब वो जो पूरा सिलेबस है ना वो भी अपने आप के अंदर एक प्रोसेस है, पूरा का पूरा इनकम टैक्स का जो सिलेबस है वो अपना एक प्रोसेस है। इनकम टैक्स को कंप्यूट करने का जो प्रोसेस होता है ना वही का वही आपको सेम प्रोसेस जो है वो अपने सिलेबस के अंदर जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। कैसे पढ़ना है उसको अब वो मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, तो लेक्चर को हम लोग जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे यूनिट नंबर 10 के अंदर क्या सिलेबस है। ओके जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड करवा देता हूं, अगर आप लोग जो है वो जून 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना है या दिसंबर 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना है अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 दोनों के कंप्लीट कोर्सेज आपको आपके घर पर बैठे बैठे अवेलेबल होंगे। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसके ऊपर आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। प्लस में जो किताबें हैं इस तरीके से हार्ड कॉपी आपके घर के ऊपर घर पे जो है वो डिलीवर करवा दी जाएगी। 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की, तो टोटल मिला के 20 बुक्स आपके घर पे आ जाएंगी, किताबें आ जाएंगी, सारे के सारे वीडियो लेक्चर जो है वो आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। प्लस जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो सब भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नॉर्मल जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा हार्ड कॉपी में आपके घर पे आएगा, लेकिन पढ़ाते हुए कुछ अमेंडमेंट है, जैसे आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ नोट्स का यूज करेंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हैंड रिटन नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करें, तो वो भी आपको टेलीग्राम बोलो हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो किताबें मिलने वाली हैं, लेक्चर मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं और साथ में रिविजन करने के लिए हर यूनिट का सेपरेट रिविजन वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम लोग जो शुरुआत करते हैं हमारे सब्जेक्ट का। जो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसको हम लोग जो शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, ये अपनी जो 10th यूनिट है, ओके, तो इसका जो वेटेज है वो लगभग कितना है, तो इसका वेटेज जो है वो पेपर नंबर 2 के अंदर वही 10% का वेटेज है। इसका मतलब जो है लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछे जा सकते हैं। एज यू नो कि पेपर नंबर 2 के अंदर मतलब टोटल नेट में जब आपका नेट का एग्जाम होगा तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन होंगे पेपर नंबर 1 के और 100 क्वेश्चन होंगे पेपर नंबर 2 के। तो जो 100 क्वेश्चन पेपर 2 के आएंगे उसमें 10 सब्जेक्ट है और ये 10th लास्ट सब्जेक्ट है अपना इनकम टैक्स का, तो यहां से भी लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी 11 पूछ लेंगे तो कभी 9 पूछ लेंगे, लेकिन ओवरऑल मिलाकर आप वेटेज यही मानिए कि भाई इसका वेटेज जो है वो 10% का है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो सब्जेक्ट है ये मुश्किल है या ये आसान है। देखिए सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है,
अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा आपने इनकम टैक्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बीकॉम के अंदर थोड़ा बहुत ही पढ़ा था और आप भूल चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेस से हम लोग जो आपको पढ़ाएंगे, और ये आसान इसलिए क्योंकि इसके अंदर ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो सीधा फैक्ट एंड फिगर के क्वेश्चन आएंगे। प्रोविजन पूछा जाएगा, अगर आपको प्रोविजन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर भी गलत हो जाएगा। मतलब यहां पे जो क्वेश्चन इनकम टैक्स में पूछे जाएंगे वो अटकने वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए ऐसी यूनिट्स लाइक इनकम टैक्स हो गया, लाइक अकाउंटेंसी हो गया, ऐसी यूनिट को कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएगा उनके उनको सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना? क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं पूछी जाती है, यहां पर सीधा फैक्ट एंड फिगर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके जी, तो सिलेबस क्या है आइए सबसे पहले उसको समझते हैं एक बार के लिए, ठीक है? और इनकम टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, किसके पास में पावर है इनकम टैक्स का कलेक्शन करने का, ये सब हम पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा जो एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था अभी पिछले से पिछले अटेम्प्ट के अंदर। ये क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं, वो पूरा का पूरा कंप्यूटेशन का प्रोसेस हम आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ने भी वाले हैं। ओके जी, अब कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड के अंदर डाउट होंगे वो एक एक करके मैं उसको क्लियर करते चलूंगा, ठीक है? ताकि आपके कोई भी डाउट जो है वो आए ना। चलो शुरुआत करते हैं। देखो जी, सबसे पहले इनकम टैक्स की अगर बात करता हूं तो ये है अपना यूनिट नंबर 10। ओके जी, अब इनकम टैक्स की यूनिट नंबर जो 10 है इसके टोटल सिलेबस को हम जो है वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा सर फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ना है। तो देखो जी, फाइनेंस एक्ट अभी आज की डेट में जो आपको पढ़ के जाना है वो है फाइनेंस एक्ट 2023। सर अभी 1 फरवरी को भी बजट आया था सर, और उस बजट के अंदर जो है कुछ बातें बताई गई थी, वो था फाइनेंस एक्ट 2024 जो अभी रिसेंट में आपको फेब 2024 में जो आपके सामने बजट आया है वो है, आप उसमें क्या है, उसमें है फाइनेंस एक्ट 2024, ठीक है? उसमें फाइनेंस एक्ट 2024 है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये बजट है लगभग 2-3 महीने के लिए, ठीक है? क्योंकि अब इलेक्शन होने, इलेक्शन के बाद में नई गवर्नमेंट बनेगी और फिर नया बजट आएगा, तो इसकी अपने एग्जाम के अंदर कोई भी रेलिवेंसी नहीं है। हमको जो पढ़ के जाना है वो क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 2023। तो एक तो ये डाउट था कि सर फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़े, 2022 पढ़े, 2023 पढ़े या 24 पढ़े, तो 24 तो नहीं पढ़ना और 22 हो गया आउटडेटेड, तो अपने को पढ़ के कौन सा जाना है, फाइनेंस एक्ट 2023, बात खत्म। अब जो फाइनेंस एक्ट 2023 है इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा 23-24 और असेसमेंट ईयर क्या होगा 24-25, यहां तक ओके बोलो जी सर? तो फाइनेंस एक्ट 2023 का जो प्रीवियस ईयर रहने वाला है वो रहेगा क्या आपका, वो रहेगा 23-24। इसका मतलब ये स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2023 से और ये एंड होगा 31-3-2024 को। और जो इसका असेसमेंट ईयर होगा वो क्या रहने वाला है, वो रहेगा 24-25। इसका मतलब जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से और एंड होगा 31-3-2025 तक। इसका मतलब ये है अगर आपने फाइनेंस एक्ट, अगर आपने 2023-24 के अंदर कोई भी इनकम को जो है वो क्या किया, अर्न किया है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 2024-25 में। और जो रेट लगेंगे वो रेट कौन से होंगे, वो रेट होंगे जो फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर आपको प्रिस्क्राइब किए गए थे। तो इसका मतलब इस साल की जो प्रीवियस ईयर है 2023-24, इस साल की इनकम पे अगर आपने, मतलब इस साल में अगर आपने कोई भी इनकम को अर्न किया है तो उसके ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट जो है वो करना तो पड़ेगा असेसमेंट ईयर में, लेकिन किस रेट से करना पड़ेगा, उस रेट से करना पड़ेगा जो रेट प्रिस्क्राइब किए गए थे फाइनेंस एक्ट 2023 में, ठीक है? इसके अंदर, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये सब आपको मैं डिटेल में करवाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है ना, कि जो कंफ्यूजन चल रही है माइंड के अंदर कि भाई फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। अब इसमें से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि फाइनेंस एक्ट क्या है, लेकिन एक बार के लिए बस आप अपने माइंड में यह बिठा लीजिए कि हमको हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ के जाना है, डेट्स ऑल। और 2023 फाइनेंस एक्ट का जो प्रीवियस ईयर है वो होगा 23-24, जो स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल 2023 से और एंड कब होगा 31 मार्च 2024। और इसका जो असेसमेंट ईयर रहने वाला है वो रहेगा 24-25, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2024 से और एंड होगा 31 मार्च 2025। तो पहला जो डाउट था उसका आई थिंक क्लैरिटी हो गया होगा कि फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ना है 2023, ठीक है? अब यूजीसी ने जो हमको सिलेबस प्रिस्क्राइब किया, सर यूजीसी ने, एनटीए ने, देखिए एनटीए ओनली एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है? हमारी जो मेन सर्वोपरि जो बॉडी है ना वो है अपना यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो जो सिलेबस है वो सब किसने प्रिस्क्राइब किया, यूजीसी ने। एनटीए तो ओनली एंड ओनली जो है वो क्या करता है, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है ना जी? तो यूजीसी ने जो सिलेबस दिया अपने को कॉमर्स का, उसमें जो यूनिट नंबर 10 उन्होंने डाली, उसके अंदर जो सिलेबस था उनका, उसको हम लोगों ने जो है वो चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया। अब ये जो बुक, अगर आपने हमसे कोर्स परचेस कर रखा है तो ये बुक आपके घर पे आई होगी। इस बुक के जब आप इंडेक्स पे जाएंगे तो ये इंडेक्स है,
ठीक है। अब ये इंडेक्स बेसिकली इसके अंदर मैंने क्या बना रखे, चैप्टर है, लगभग ये 250 पेज की किताब होगी, 200 250 पेज की। तो हमने इसके अंदर क्या बना रखे, चैप्टर। अब क्वेश्चन ये है, जो भी सिलेबस किसने यूजीसी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, हमने उस सिलेबस को तोड़ दिया, ठीक है, और टुकड़ों के अंदर जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और टोटल मिला के हमने इसके अंदर जो है वो कितने, देखो वो टोटल मिला के हमने इसमें 21 चैप्टर जो है वो क्या करे हैं, बनाए हैं। दिखाऊं एक बार के लिए, जो अपना इनकम टैक्स जो सिलेबस है जो यूजीसी ने प्रिस्क्राइब किया था उसको हमने बाइफर्केट कर दिया कितने, 21 चैप्टर में। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इनकम टैक्स के रेट्स का, सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का, थर्ड चैप्टर में आएगा रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी, फोर्थ चैप्टर में आएगा आपका एग्रीकल्चर इनकम, फिफ्थ के अंदर आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर आपके फाइव हेड आ जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और पीजीपीपी। फिर आपका चैप्टर नंबर 10 के अंदर आएगी डिडक्शंस, ठीक है, 80C से लेकर के 80U तक की डिडक्शन। चैप्टर नंबर 11 है अपना अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसको बोलते हैं AMT, क्या बोलते हैं AMT। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करता हूं तो यह है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का, चैप्टर नंबर 13 की बात करता हूं तो यह है क्लबिंग का, अदर पर्सन की इनकम को भी कई बार असेसिंग इनकम में क्लब किया जाता है तो उसके लिए आएगा सेक्शन चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 है आपका किसका, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स का। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो है चैप्टर नंबर 15 और 16। चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो है बात की गई है DTAA, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं, इसकी बात की गई है, इसके प्रोविजन डाले गए हैं, और जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जो है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। चैप्टर नंबर 17 है आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, चैप्टर नंबर 18 आपका मैट का कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इसके प्रोविजन जो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 के अंदर बात करेंगे हम किसका, TDS का और साथ में एडवांस टैक्सेस का, TDS एंड TCS का। चैप्टर नंबर 20 जो है वो है आपका एडवांस टैक्स का, और चैप्टर नंबर 21 जो है वो है आपका ई फाइलिंग का। ये टोटल सिलेबस है जो अपने को पढ़ के जाना है, ठीक है। एक एक चीज बिल्कुल डेप्थ के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, और लगभग 15 दिन का हम जो है वो टाइम लेके चल रहे हैं, 15 डेज के अंदर, मतलब आज 1 अप्रैल हो गया तो लगभग 15 अप्रैल तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स एकदम टिप्स पे विद रिविजन कर लें, ठीक है ना जी। तो ये अपने को पूरा का पूरा जी पढ़ के जाना है, ओके। तो आपको मैंने बता दिया जो टोटल चैप्टर्स है उसको, मतलब जो टोटल सिलेबस है जो यूजीसी ने बताया हुआ है उसको हम लोगों ने इन चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है जी सर। अब क्वेश्चन ये आता है, सर इनकम टैक्स है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, और कैसे इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होता है। डिटेल डिस्कशन तो चैप्टर नंबर 2 में करना ही है, लेकिन एक बार अभी तो ओवरव्यू की बात चल रही है तो ओवरव्यू एक बार लेते हैं। देखो इनकम टैक्स आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुना जरूर होगा, मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपको याद होगा, ठीक है। आपने बीकॉम के अंदर पढ़ा तो है, जरूर पढ़ा आपने, शायद कुछ बच्चों ने एमकॉम के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार ये उम्मीद करता हूं कि आपने सिर्फ सुना हुआ, आपको याद कुछ भी नहीं, अब भूल गए हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद करवाऊंगा, ओके। तो बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और समझते जाइएगा कि हाँ भाई ये सब चीजें होती थी, ठीक है ना जी। और एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में पूरी की पूरी ये बुक जो है वो इंक्लूड है, मतलब आपका जो यूजीसी का यूनिट नंबर 10 का जो सिलेबस है ना वो एक प्रोसेस के अंदर जो है वो दिया गया है। वो प्रोसेस को हम समझते हैं तो अपने को हर चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है ना जी सर। देखो जी सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। देखो इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक वर्ड तो है जिसका नाम है इनकम और एक वर्ड है जिसका नाम जो है वो है क्या, टैक्स। टैक्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, टैक्स क्या होता है पहले आप बताइए एक बार सर। टैक्स की अगर बात करते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं कर, क्या बोलते हैं कर। सर हमने पढ़े था एक होता है डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, अरे भाई वो तो क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो टैक्स के टाइप्स होते हैं, वो तो उसके क्या है टाइप अलग अलग, लेकिन टैक्स क्या है। तो टैक्स बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम है। टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, इनकम। गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। और इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब कभी भी इंडिविजुअल कोई भी मतलब देश के निवासी अगर कभी भी सरकार को जो है वो क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो वो टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट के पास में आया, जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट को हुआ, वो सब गवर्नमेंट की जो है वो क्या होती है, रेवेन्यू, या उसको हम बोलते हैं इनकम। वो क्या है, इनकम है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है इनकम क्या होती है, ठीक है। तो पहली बात तो टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी पेमेंट है जो अपने को अगर हमारे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो गया तो कंपल्सरी है कि अपने को वो पे करना ही करना पड़ेगा। तो पहली बात व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स की बात करें इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, और वो पेमेंट किसको कर रहे हो, टू गवर्नमेंट। आप पेमेंट किसको कर रहे हो, टू
गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्या टैक्स के बदले में आपको कुछ बेनिफिट मिलता है? नहीं, टैक्स के बदले में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये बात। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टैक्स के बदले बेनिफिट मिलता तो है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो भी टैक्स का पैसा मिलता है गवर्नमेंट उससे पुल बनाती है, गवर्नमेंट उसे रोड बनाएगी तो उसका बेनिफिट तो हमको मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट क्या सिर्फ जिसने टैक्स का पेमेंट किया उसी को मिल रहा है या सबको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। तो ये कहना कि अगर हम टैक्स का पेमेंट करते हैं और उसके बदले हमको बेनिफिट मिल रहा है, तो इन जनरल आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन स्पेसिफिक टर्म में आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो टैक्स जो है, अगर कोई भी पर्सन टैक्स का पेमेंट करता है तो बदले में उसको गवर्नमेंट से जो कुछ भी चीज रिसीव नहीं होगी, पहला। लेकिन इन जनरल अगर बात करते हैं, गवर्नमेंट को अगर टैक्स का पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, तो उससे होगा क्या? सर अगर गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट उस अपनी इनकम को क्या करेगी, लोगों के ऊपर तो खर्च करेगी, वेलफेयर एक्टिविटी के अंदर पैसा लगाएगी, यस और नो? यस। तो इन जनरल अगर हम बोले कि अगर गवर्नमेंट का टैक्स, अगर गवर्नमेंट की टैक्सेबल इनकम जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब टैक्स के तौर पर अगर गवर्नमेंट की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, गवर्नमेंट की रिसीट अगर बढ़ेगी तो गवर्नमेंट उसको जो है वो इन जनरल जो है वो क्या करेगी, अप्लाई करेगी, लोगों के ऊपर जो है उसको लगाने का काम करेगी, वेलफेयर एक्टिविटी के अंदर लगाएगी। लेकिन अगर ये बोलूं मैं, अगर स्पेसिफिक बोलूं कि अगर आपने गवर्नमेंट को 10,000 रुपए का टैक्स का पेमेंट किया तो बदले में क्या मिलेगा, बदले में कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, अगर आपके ऊपर टैक्स की लेवी हो गई है, अगर आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो गया तो आपको टैक्स का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। यहां तक ओके आई थिंक। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात करते हैं टैक्स। तो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, हमारे लिए खर्चा है। अब बात करते हैं इनकम। इनकम का मतलब क्या है, एक पूरे साल के अंदर, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने जो कुछ भी कमाया, कैसे भी कमाया, चाहे इलीगली कमाया, टैक्स में यह भी लिख रखा है कि इनकम वेदर लीगल वेदर इलीगल। तो इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपने वो इलीगल सोर्सेस से पैसा कमाया, अगर तुमने कमाया है तो तुमको उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर इलीगल काम करोगे तो पुलिस वाले जो है तो तुमको पीटेंगे, वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन पहले इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे और बोलेंगे क्या हो गया जी। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं मान लो अगर आपने जो है वो कोई भी दो नंबर का काम किया, ठीक है, आपने दारू बेची ब्लैक के अंदर और वहां से पैसा कमा लिया, तो अब पुलिस वाले ने तुमको पकड़ लिया और बोल रहा अरे तुमने ब्लैक में दारू बेची है, लाइसेंस नहीं तुम्हारे पास, हम तुमको पीटेंगे, तुमको रिमांड पे लेंगे। बीच में इनकम टैक्स वाले आ गए, बोले क्या हो गया, बोले जी इसने 1 करोड़ की दारू बेची है। तो इनकम टैक्स वाले बोले रुको भाई साहब, पीटना इनको, तुमको पूरा टाइम देंगे। पुलिस वाले को इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे, तुम इनको मारो पीटो जो तुम्हारा मन करे वो करो, एक बार मुझे इनसे टैक्स लेने दो। इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे आपकी इनकम लीगल हो चाहे आपकी इनकम इलीगल हो, टैक्स तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। हाँ, वो पता लगे कि इलीगल इनकम अगर होती है तो उसके ऊपर जो है एसएससी जो है वो क्या करता है, वो टैक्स को छुपा लेता है, इनकम को कंसील कर लेगा, क्योंकि वो उसको शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फंस जाएगा ना। लेकिन अगर मान लीजिए पकड़े गए तो वो इलीगल इनकम के ऊपर भी आपसे जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो अगर पूरे साल में आपने अगर कोई भी पैसा कमाया, चाहे कैसे भी कमाया, चाहे कहीं पे जॉब करके कमाया, चाहे कहीं पे बिजनेस करके कमाया, चाहे आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाया, चाहे आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देके पैसा कमाया, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया, चाहे इंटरेस्ट के तौर पे पैसा कमाया, चाहे डिविडेंड के तौर पे पैसा कमाया, वो पैसा कमाया और वो आपकी क्या है, इनकम है। ठीक है ना, तो इनकम का मतलब क्या है, इनकम का मतलब है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी कमाई करी है तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। वो इनकम रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उससे भी लेना देना नहीं है। दूसरा, चाहे इनकम कैश में हो चाहे काइंड में हो, उससे लेना देना नहीं है। चाहे इनकम लीगल हो चाहे इलीगल हो, उससे भी लेना देना नहीं है। अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो उसके ऊपर आपको जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर एसएससी ने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम कमाई तो उसका पेमेंट उसको असेसमेंट ईयर के अंदर करना ही करना पड़ेगा। यहां तक ओके है क्या? बोलो जी। अब इनकम कहां कहां से कमा सकते हैं, तो इनकम टैक्स के अंदर जो है वो क्या, इनकम के जो सोर्सेज हैं उनको जो है वो क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया 5 पार्ट्स के अंदर, जिनको 5 हेड ऑफ इनकम बोला जाता है। तो अगर कोई असेसी जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर कोई पैसा कमाएगा तो वो कहां से कमाएगा, तो पैसे कमाने के लिए 5 सोर्सेज आपके पास में अवेलेबल है, आप 5 जगह से जो है पैसा कमा सकते हो। वो 5 सोर्सेज कौन कौन से, आइए थोड़ा उसको समझते हैं। 5 सोर्सेज ऑफ इनकम की अगर बात करते हैं तो एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, या तो आप कहीं पर जो है वो क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट करोगे, क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट, कहीं पर जॉब कर रहे हो, ठीक है, और जॉब करके और बदले में आपको जो है वो क्या मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो वहां से अगर आप कोई कमाई कर रहे हो तो वो आएगा किसमें, इनकम फ्रॉम सैलरी में। या अगर आपके पास में कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी पड़ी थी और आपने अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया, क्या कर दिया, रेंट पर दे दिया, तो रेंट पर आपने प्रॉपर्टी को दिया, उसके बदले में आपको क्या मिला, रेंट रिसीव हुआ, तो ये भी आपकी जो है वो क्या कमाई है। और ये कमाई जाएगी कहां पे, आपके सेकंड सोर्स में, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस
प्रॉपर्टी, या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी धंधा किया, कोई भी बिजनेस किया, तो बिजनेस से अगर कोई भी आपने इनकम कमाई तो हो जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। या आपने कोई भी प्रोफेशन किया, आपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ा के कोई इनकम आई तो हो जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। या अगर आपके पास में कोई भी कैपिटल एसेट थी, आपके पास में कोई मकान था, आपने उस मकान को बेच दिया, वो मकान कभी आपने जो है वो मान लो पिछले साल आपने उस मकान को लिया था 1 करोड़ रुपए का और आपने आप उसको बेच दिया 1 करोड़ 13 लाख रुपए का, तो 13 लाख रुपए की आपकी इनकम हो गई और वो जाएगी कहां पे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसके अलावा अगर कोई भी इनकम आपने कमाई है लाइक इंटरेस्ट, लाइक डिविडेंड के तौर पे अगर कोई इनकम, लाइक सबलेटिंग करके अगर कोई इनकम कमाई, ठीक है, लाइक कोई पेंशन पुंशन रिसीव हो रही है, तो वो सब जाएगी कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो अगर मान लीजिए असेसी ने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी पैसा कमाया है तो उस पैसे को इन अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। याद रखो क्या बोलो, यस सर। तो इनको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम, क्या बोलेंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम कमाई तो इस इनकम के ऊपर आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स को बोलेंगे हम लोग बेसिकली क्या, इनकम टैक्स। ये पैसा कौन पे करेगा, असेसी पे करेगा, कौन पे करेगा, असेसी, जिसने इनकम कमाई, और किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। यहां देखो क्या बोलो, जी सर, सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि सर प्रोसीजर क्या है, इनकम टैक्स निकालने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम इनकम को कंप्यूट करेंगे, किस तरीके से इनकम टैक्स को कंप्यूट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। तो उसके प्रोसीजर को आइए हम लोग जो है वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर समझेंगे पूरा का पूरा चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी तक आपको जो मैंने बताया वो क्या बताया, अभी तक आपको मैंने एक सिंपल सी बात बताई है। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये अपना सिलेबस है और इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलकर बना, एक होता है इनकम और एक है टैक्स। टैक्स की पहले हमने बात करी, टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। अगर आपके ऊपर टैक्स की लेवी आ गई है, अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ गई है तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो टैक्स जो है वो क्या, एक कंपल्सरी पेमेंट है, किसको पेमेंट की जा रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, ठीक है। अब बात करेंगे इनकम, इनकम क्या होती है, पांच सोर्सेस के, पांच हेड की जो इनकम है उसको अगर हम इकट्ठा कर दे तो उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, इनकम, ठीक है। अब वो पांच सोर्सेस कौन कौन से याद कर लेना, एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक है इनकम फ्रॉम पीजीपीपी बोलते तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो इनकम इन चार हेड में नहीं आती है वो जाएगी कहां पे, अदर सोर्सेस में। इट्स ओके, बोलो, जी सर। चलो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इनकम को कैसे कंप्यूट करें और किस तरीके से इनकम के ऊपर टैक्स निकालें। तो उसका पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है जिसके अंदर 14 स्टेप्स आएंगे जो आपको याद करके जाने हैं। हालांकि जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, टिप्स हो जाएंगी चीजें। आइए समझते हैं उस चीज को। देखो जी, अच्छा ये आप ना लिखना मत, जो जिन्होंने मेरे से पेड कोर्स लिखा आप लिखना मत इसको, इसका जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा अभी अपना जो यूनिट नंबर 10 का जो फोल्डर बनेगा एप्लीकेशन के ऊपर, तो मैं वहीं पे डाल दूंगा, ठीक है ना, देख वहां पे देख लेना आप एक बार। चलो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे। देखो जी, सबसे पहली बात ये आती है जब कभी भी आप इनकम टैक्स की बात करते हैं तो अपने इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सिंपल सा जो है वो प्रोविजन पहले तो दिया। गवर्नमेंट बोल रही है हम आपसे जो टैक्स है वो नेशनैलिटी के बेस पर या सिटीजनशिप के बेस पर नहीं लेंगे। मतलब हम आपसे जो टैक्स है वो नेशनैलिटी के बेस पर नहीं लेंगे। अगर आप भारतीय हो तो आपको भारत में टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हम आपसे जो टैक्स लेंगे वो लेंगे आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पर, ध्यान देना, हम आपसे जो टैक्स लेंगे वो किसके बेस पर लेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पर। अगर ये बोल दिया जाता कि हम आपसे टैक्स लेंगे सिटीजनशिप के बेस पर, किसके बेस पर, सिटीजनशिप के बेस पर, तो वहां पे मारे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फिरंगी लोग, बाहर के लोग इंडिया के अंदर आते हैं, आके यहां थोड़ा बहुत काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं, तो उनसे तो हम टैक्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अगर बोलते टैक्स दो तो वो क्या बोलते हैं, भाई तुमने अपने जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिख रखा है कि टैक्स आपसे जो है वो चार्ज किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ सिटीजनशिप, हम तो इंडिया के सिटीजन है ही नहीं, एंड वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान होता, तो गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं इसको सही करेंगे। गवर्नमेंट बोलती है हम जो है वो क्या करेंगे, हम आपसे टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे ऑन द बेस ऑफ यूअर रेसिडेंशियल स्टेटस, किसके बेस पर, आपके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पर। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया, जब कभी भी इंडिया में आप टैक्स का, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं ओनली, जीएसटी की बात नहीं कर रहा, अगर इंडिया के अंदर कभी भी इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करना है तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो क्या है, एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना। आप सबसे पहले चेक करो कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर बात करते हैं पूरा डेप्थ में, चैप्टर नंबर 3 इसी के लिए उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में इसकी बात करेंगे, ओके। तो इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो या तो एक पर्सन जो है वो होगा रेसिडेंट या होगा
नॉन रेसिडेंट, अगर वो रेसिडेंट है तो कहानी और आगे बढ़ती है, या तो होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट या होगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम जो है, अगर आपको कभी भी किसी भी पर्सन की इनकम को असेस करना है और उसके ऊपर इनकम टैक्स निकालना है, तो सबसे पहले आप उस पर्सन का जो है वो क्या चेक करोगे, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टैक्स लगता है वो सिटीजनशिप के बेस पर नहीं लगता, इंडिया में जो टैक्स लगता है वो लगता है ऑन द बेस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस। किसके बेस पर? रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पर। यहां देखो क्या बोलो, यस और नो? यस सर। तो पहला तो ये हो गया, जब कभी भी आपने अगर इनकम टैक्स कंप्यूट करना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल लोगे। ठीक है, आपको स्टेटस पता चल गया, या तो वो पर्सन, अब स्टेटस क्या, दो, या तो होगा रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, अगर रेसिडेंट है तो कहानी आगे बढ़ेगी, या तो होगा ऑर्डिनरी या होगा नॉट ऑर्डिनरी। अब इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन है, और फिर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए एडिशनल कंडीशन है, वो सब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है जी, एक बार अगर आपको इंडिविजुअल का, मतलब किसी भी पर्सन का जिसकी आपने इनकम का कंप्यूटेशन करना है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता चल गया, अब आप उसकी इनकम को कंप्यूट करोगे, अब आप ये देखोगे कि पिछले साल में, मतलब पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर में उसने कहां कहां से पैसा कमाया, उसने जॉब करके पैसे कमाया, या किराए की इनकम खाई, या बिजनेस करके पैसे कमाया, या कैपिटल गेन का इनकम खाया, या किसी अदर सोर्स का खाया, अब आप उसको जोड़ोगे, तो अब सेकंड काम जो आएगा ऑन द बेस ऑफ दिस, दिस का मतलब क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे इनकम, क्या कैलकुलेट करेंगे, इनकम अंडर द 5 हेड ऑफ इनकम, इनकम के 5 सोर्सेज अभी आपको मैंने याद करवाए, कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहां तक ओके क्या, बोलो जी सर। तो पहला स्टेप क्या है, याद करना पड़ेगा, चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो मैं जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको साथ साथ, मेरे साथ साथ ही आप इसको जो है क्रैम भी कर लीजिए, समझना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, और समझ की चीजों को याद करना भी जरूरी है। तो सबसे पहला काम क्या है, जब कभी भी किसी भी पर्सन की इनकम को कंप्यूट करना है, या उसका अगर इनकम टैक्स निकालना है, सबसे पहले क्या करोगे, इनकम जोड़नी शुरू कर दोगे? नहीं सर, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है, हम चेक करेंगे कि उसका सर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पर इनकम का जो कंप्यूटेशन है वो अलग अलग है। कुछ इनकम, ध्यान देना, कुछ इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर पहले इनकम ही निकाल रही है और बाद में पता चला अरे यार ये तो फिरंगी था, ये तो नॉन रेसिडेंट था, तो फिर आपको दोबारा से सारा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले देखो उसका स्टेटस क्या है, और स्टेटस के बेस पर, अब आपको स्टेटस पर चल गया, अब आप उसकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो 5 सोर्सेज है वहां से आप उसकी इनकम को क्या करो, कंप्यूट करो। तो पहला काम क्या था, फर्स्ट डिटरमाइन करो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, कर लिया, और दूसरा जो काम है ऑन द बेस ऑफ दिस, मतलब ऑन द बेस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे इनकम अंडर द 5 हेड ऑफ इनकम। ये जो 5 हेड है ये है आपके, ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये देखो चैप्टर 5 से लेकर 9, ठीक है, चैप्टर 5 to 9, एक चैप्टर तो ये आ गया चैप्टर नंबर 3, एक चैप्टर 5 से 9। ठीक है जी, इन पांचों, ये जो आपके 5 हेड है यहां से आपने इनकम निकाल लिया। जब कभी भी आप 5 सोर्सेस की इनकम निकालेंगे तो आप क्लबिंग के प्रोविजन को भी ध्यान में रखेंगे। तो क्या बोलते हैं स्टेप नंबर 3 में, कहेगा इनकम ऑफ अदर पर्सन, अदर पर्सन की इनकम को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अंडर रिस्पेक्टिव हेड अंडर सेक्शन 60 से 64। तो जब कभी भी आप, ध्यान देना, जब कभी भी आप इन 5 हेड की इनकम को कंप्यूट करोगे तो सेक्शन 60 से 64 को भी आप ध्यान में रखोगे। ध्यान देना, जब कभी भी आप 5 हेड की इनकम निकालोगे तो आप क्लबिंग के प्रोविजन को भी आप ध्यान में रखोगे। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर जो है वो क्या आएगा, आप अदर पर्सन की इनकम जिसको असेसी की इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या आएगा, जब कभी भी आप इनकम का कंप्यूटेशन करोगे तो पिछले सालों के अगर कोई लॉसेस है, ठीक है, तो उनको भी आप सेट ऑफ कर लोगे। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब ये जो क्लबिंग का चैप्टर है, ये देखो ये क्लबिंग वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, और सेट ऑफ का है चैप्टर नंबर 12। देखो जी चैप्टर नंबर 13 और ये है चैप्टर नंबर 12। अभी चार स्टेप की बात करें, सबसे पहले काम क्या करना है जल्दी से बताओ सर। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जब कभी भी इनकम का कंप्यूटेशन करना है तो सबसे पहले चेक करो उस पर्सन का स्टेटस क्या है, देख लिया। दूसरे नंबर पे उसकी 5 हेड की इनकम निकाल लो। जब 5 हेड की इनकम निकाल रहे होगे तो स्टेप नंबर 3 को भी साथ में लेकर चल रहा है। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि अदर पर्सन की इनकम जिसको क्लबिंग बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके प्रोविजन को भी ध्यान में लेके चलना है। और जब आप स्टेप नंबर 2 कर रहे होगे, बोले तो
इनकम का कंपटीशन करे होगे, तो स्टेप नंबर फोर को भी ध्यान में लेके चलना है। स्टेप नंबर फोर में किसकी बात की गई है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन की। यहां तक ओके है क्या? बोलो जी सर। अब इन चारों स्टेप्स का जो निष्कर्ष आएगा वो बनेगी आपकी जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। तो जब मैं पांचों हेड की इनकम को जोड़ रहा था तो उसको जोड़ते हुए मैंने दो प्रोविजन का ध्यान रखा, एक तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का और एक किसका? क्लबिंग का। ठीक है, करने के बाद जो इनकम आई, अब मैंने उसको क्या कर लिया? जोड़ लिया, क्लब कर लिया, और उस पांच सोर्सेस की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं जीटीआई, बोले तो ग्रोस टोटल इनकम। तो स्टेप नंबर पांच में क्या है? इनकम जो आपने कंप्यूट करी अंडर स्टेप वन टू फोर इज नोन एज जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। यहां तक ओके? बोलो बोलो जी सर। अभी तक आपने चार स्टेप आपने करे थे और ये पांचवा स्टेप हो गया। एक बार जल्दी से क्विकली हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले काम क्या किया? रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया, दूसरे नंबर पे पांचों हेड की इनकम निकाले। लेकिन जब आप पांचों हेड की इनकम निकाल रहे थे तो दो प्रोविजन को और ध्यान में रखा, कौन कौन से? पहला था क्लबिंग का और दूसरा था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का। ठीक है, करने के बाद में आपने पांचों हेड की इनकम निकाल ली, निकालने के बाद में उन पांचों हेड की इनकम को जब आप क्या करोगे? जोड़ोगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। आई होप यहां तक ओके होगा जी सर। तो पांचवा स्टेप हो गया आपका कंप्यूट, इनकम कंप्यूट किया जाएगा अंडर द स्टेप वन टू फोर इज नोन एज जीटीए। अगला काम क्या करने वाले? अब जो आपकी ग्रोस टैक्सेबल इनकम है, जब ग्रोस टोटल इनकम जो है उसमें से आप माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U। जो आपका जीटीए निकल के आया स्टेप नंबर फाइव में, उसमें से अब हम माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U। इसको चैप्टर 6A की डिडक्शन बोला जाता है। ओके, अब डिडक्शन का चैप्टर जो है वो हमने डाला हुआ ये रहा, चैप्टर नंबर 10। तो अब माइनस करेंगे डिडक्शन, ये इसको डील करेगा चैप्टर नंबर 10। ओके जी, ठीक है जी। अब ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम। तो बोलता है द बैलेंस ऑफ इनकम आफ्टर अलाउिंग द डिडक्शन, डिडक्शन काटने के बाद जो इनकम का बैलेंस बचा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? टोटल इनकम, या इसी को बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। क्या बोलेंगे? टोटल इनकम, या इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। और ये जो इनकम निकल जाएगी इसको हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे 10 के मल्टीपल में, इट विच विल बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। 10 रुपए के मल्टीपल में इसको जो है वो क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। यहां देखो ओके, जैसे अगर आपकी इनकम जो है वो निकल के, एग्जांपल मान लो 719,347, तो पीछे जो है वो क्या है? 7 है ना, तो आप इसको क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। तो इसको कर देंगे 719,350, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, समझ गए? 10 के मल्टीपल में, तो 10 के मल्टीपल में करना है, तो अगर पीछे जो है वो क्या है? 5 या उससे ज्यादा है तो उसको क्या कर देंगे? 10 मान लेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहां पे जो है वो था 43, तो इसको कर देते क्या? 40। क्या मानते? 40 मानते। ओके, तो 10 के मल्टीपल में क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले आपने जो वो क्या किया, जीटीआई निकाल लिया, पांचों हेड की इनकम को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद उसमें से जो वो क्या कर लिया, आपने माइनस किया रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U। करने के बाद जो भी बचेगा उसको आप जो उसको बोलेंगे क्या? जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम। और उस टैक्सेबल इनकम को हम लोग जो वो क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज 10। ओके जी, कर दिया। करने के बाद अब ये आ गया आपकी टैक्सेबल इनकम। नाम क्या है इसका? मैंने अभी क्या बोला? टोटल इनकम। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगाएंगे, अब इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाएंगे। अब कंप्यूट करेंगे टैक्स ऑन सच टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट। अब ये जो टैक्स हम इसके ऊपर लगाएंगे, अब ध्यान देना, ये जो टैक्सेबल इनकम हमारे सामने निकल के आई है, ये इनकम दो तरीके की है। जो ये टैक्सेबल इनकम निकल के हमारे सामने, ये दो तरीके की है। इसमें कुछ होगी नॉर्मल इनकम, कुछ होगी स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम लाइक LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लाइक लॉटरी, बोले तो कैजुअल इनकम, इस तरीके की, ठीक है। इनको इनको जो दर्जा दिया गया वो क्या दिया गया? स्पेशल इनकम का। तो आपने जो टोटल इनकम निकाली है वो टोटल इनकम को इनकम में अब हम चेक करेंगे कि क्या सारी नॉर्मल इनकम है या उसमें कोई स्पेशल इनकम भी है, क्योंकि टैक्स रेट अलग अलग है। जो स्पेशल इनकम है, अब नाम ही क्या है? स्पेशल इनकम। तो भैया स्पेशल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो स्पेशल रेट से लगेगा। किस रेट से लगेगा? स्पेशल रेट से। वो क्या रेट है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा स्लैब रेट से। जो आपने सुना होगा 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक ये, 5 से 10 ये, 10 से 15 ये, व्हाटएवर जो भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्लैब। क्या बोलते हैं? स्लैब। तो उसको अलग तरीके से। तो
सबसे पहले जो आपकी ग्रोस जो टैक्सेबल इनकम निकल के आई है, ठीक है ना, जो टैक्सेबल इनकम निकल के आई है, उस टैक्सेबल इनकम में अब हम चेक करेंगे क्या वो टैक्सेबल इनकम सारी की सारी नॉर्मल इनकम है या वो स्पेशल इनकम है। अगर नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा भाई स्लैब रेट से, और जो स्पेशल इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा भाई स्पेशल रेट से। यहां तक ओके क्या? बोलो जी सर। 8 स्टेप आपको मैंने बता दिया, अब जल्दी से एक बार 8 मेरे सामने सामने रिवाइज कर दो। सबसे पहला काम क्या करना है सर? सबसे पहला काम जो हमने करना है, जल्दी बोलो सर, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, कर लिया। दूसरा काम क्या करना है? अब उसके सर पांचों हेड की इनकम कंप्यूट करेंगे, कर लिया। जब सर पांचों हेड की इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे तो स्टेप नंबर 3 और 4 को भी ध्यान रखेंगे। 3 और 4 क्या बोलते हैं सर? हम चेक करेंगे कि क्या अदर पर्सन की इनकम को उसमें क्लब तो नहीं करना, बोलो तो क्लबिंग के प्रोविजन को भी ध्यान रखेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या पिछले सालों का कोई लॉस तो नहीं है, उसको भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर जो है वो क्या निकल के आया? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब स्टेप नंबर 5 में जो है वो क्या निकल के आया? जो ऊपर के चारों स्टेप के अंदर आपने जो इनकम निकाली है उसको बोल देंगे जीटीआई। आप क्या करेंगे? जो जीटीआई है उसमें से माइनस करेंगे रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U कर दिया। माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम। तो बोलते हैं जो बैलेंस बचा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। इसके ऊपर टैक्स पे करना है, लेकिन इस पर कंप्यूटेशन करने के लिए इसको पहले राउंड ऑफ कर लेंगे 10 के मल्टीपल में। क्यों करते हैं राउंड ऑफ 10 के मल्टीपल में? राउंड ऑफ तो करते, लेकिन क्यों करते हैं? ताकि हमारी कंप्यूटेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। समझ गए? बोलो जी। तो राउंड ऑफ ग्रोस टोटल इनकम को करना है या टैक्सेबल इनकम को करना है? सर टैक्सेबल इनकम को करना है, जीटीआई को नहीं करना। ठीक है जी। तो अब आपने जो है वो क्या कर लिया? राउंड ऑफ कर लिया 10 के मल्टीपल में। ठीक है, आपको कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। 5 या उससे ऊपर है तो उसको 10 मान लेंगे, और 5 से कम है तो फिर उसको 0 कर लेंगे। ठीक है ना जी सर। अब जो है फिर क्या होगा, ध्यान दो। अब जो भी टैक्सेबल इनकम निकल गई है उसके ऊपर टैक्स पर टैक्स अपने को क्या करना है? बनाना है और टैक्स पे करना है। अब क्वेश्चन ये आएगा, जो टैक्सेबल इनकम है क्या वो सारे के साथ नॉर्मल इनकम है या स्पेशल इनकम है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो तो स्लैब रेट से लगेगा, लेकिन जो स्पेशल इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा? वो लगेगा बाय स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट से। यहां तक ओके गया? यस सर। तो नॉर्मल इनकम है तो स्लैब रेट, और स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट से। आई होप यहां तक ओके होगा जी सर। अब आपने टैक्स निकाल लिया, टैक्स निकालने के बाद अब क्या करना है? अगर मान लो कभी भी ऐसा है कि एसएससी बेचारा छोटा एसएससी है, छोटा एसएससी का मतलब जो है वो क्या हो गया, अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, कितनी है 5 लाख रुपए तक, तो गवर्नमेंट बोलती है हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर एक एसएससी जिसकी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल इनकम जो है वो अगर 5 लाख रुपए तक की है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि यार तुमसे क्या ही टैक्स चार्ज करना, एक काम करना टोटल टैक्स निकाल लेना। अब आपका टैक्स जो है वो मान लो बना 10,000 रुपए, एग्जाम्पल मान लो आपका टैक्स कितना बना 10,000, तो गवर्नमेंट बोलती है तुम्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हम दे रहे हैं रिबेट। क्या दे रहे हैं? रिबेट। रिबेट है सेक्शन 87A। सेक्शन 87A जो है वो डील करेगा किसको? रिबेट को। आपने जो है स्टेप नंबर 8 के अंदर क्या किया? टैक्स निकाल लिया। अगर आपका जो टैक्स बना वो टैक्स बना, ध्यान देना, अगर आपका जो टोटल इनकम जो थी वो टोटल इनकम थी मान लो 4,20,000, ठीक है, और इस 4,20,000 पे आपने टैक्स निकाल लिया, और वो टैक्स आपका जो है वो बना मान लो 11,000, कितना बना 11,000। तो अगर कोई एसएससी जिसकी पिछले साल की जो टैक्सेबल इनकम है वो अगर 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख से कम है, 5 लाख या उससे कम है, तो उसका जितना भी टैक्स बनता है ना वो टैक्स या 12,500 जो दोनों में कम होगा उसके हम क्या दे देंगे? रिबेट दे देंगे। क्या दे देंगे? रिबेट। तो अगर आपका टैक्स ही बना कितना 11,000, तो आपको पूरी की पूरी छूट मिल जाएगी, क्योंकि 12,500 रुपए तक है एग्जेम्प्ट है। अब मान लो आपकी इनकम जो है वो थी मान लो 4,80, कितनी थी 4,80, और आपका जो टैक्स बना इस चार, ध्यान देना, आपकी इनकम कितनी थी 4,80, और 4,80 के ऊपर जो आपका टैक्स बना वो एग्जांपल मान लो वो बन गया 14,000 रुपए। तो अब हमने क्या बोल रखा है, 14 का 14,000 माफ नहीं होगा, इसमें से 12,500 हम क्या करते हैं माफ, बाकी बच जाएगा 1,500, ये आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ध्यान देना क्या बोलता है स्टेप नंबर 9 में, अलाउ करेंगे रिबेट। कितने रिबेट करेंगे? 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500। ये 25,000 की कहानी भी है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। सेक्शन 115BAC जो न्यू टैक्स रिजाइम आया है, जिसको अल्टरनेट टैक्सेशन मैकेनिज्म बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस एक बार ये ध्यान रखो, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी है 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख से क्या है कम है, तो जितना भी आपका टैक्स बनता है उसमें से 12,500 रुपए की क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। लेकिन ये मिलेगी ओनली किसको? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को। ओके,
जी सर, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 50 लाख को क्रॉस कर गई, तो जितना भी टैक्स बनेगा उस टैक्स पे एक टैक्स और पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज जो है वो क्या है, इट इज टैक्स किस पे, ऑन टैक्स। इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, लेकिन सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर। जो भी आपका टैक्स बना ना अभी तक, उस टैक्स के ऊपर एक टैक्स और आपसे चार्ज कर लिया जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरचार्ज। क्या बोलते हैं, सरचार्ज। अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज भी लग जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एचईसी। जो भी आपका टैक्स निकल के आया, उस टैक्स के ऊपर एक अलग से अमाउंट हम आपसे और चार्ज करेंगे, जिसको बोलते हैं एचईसी, बोलो तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। देखो एक होता है टैक्स, ध्यान देना, एक वर्ड है टैक्स और एक होता है सेस। टैक्स कब और सेस का, दोनों का पैसा गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। मान लो गवर्नमेंट ने आपसे जो है वो 1000 रुपए तो ले लिए टैक्स के, और 100 रुपए आपसे ले लिए सेस के नाम के, मान लो ये एचईसी के नाम के। अब ध्यान देना दोनों में क्या फर्क होता है, टैक्स में और सेस में क्या फर्क है। सेस की बात अगर हो रही है तो सेस जिस नाम से बोला जाएगा उसी नाम के लिए गवर्नमेंट उसको यूज करेंगे। देखो गवर्नमेंट अगर आपसे पैसे ले रही है टैक्स के नाम के और सेस के नाम के, तो गवर्नमेंट को तो 1100 रुपए मिलेगी। क्या ये गवर्नमेंट की इनकम है, यस और नो? यस सर, ये गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है। अब गवर्नमेंट इसको किसी भी तरीके से खर्च कर सकती है, यस सर कर सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है गवर्नमेंट इसको कहां पे लगाएगी, तो सेस का जो पैसा होता है ना, ये जो गवर्नमेंट ने 100 रुपए आपसे एचईसी के नाम के मांगे, हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम के, तो गवर्नमेंट इस 100 रुपए को हेल्थ और एजुकेशन पे ही लगाएगी। ये फर्क होता है टैक्स में और सेस में, ये फर्क होता है कि गवर्नमेंट इस 100 रुपए को किसके लिए लगाएगी, सिर्फ और सिर्फ या तो हेल्थ के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर। लेकिन ये जो 1000 रुपए गवर्नमेंट ने आपसे चार्ज करें, ये जो 1000 रुपए गवर्नमेंट ने आपसे चार्ज कर लिए, इसको गवर्नमेंट किसी भी पर्पज के लिए लगा सकती है। इससे गवर्नमेंट ये जो 1000 रुपए आपसे टैक्स के तौर पर चार्ज करे, गवर्नमेंट इससे डैम भी बना सकती है, रोड भी बना सकती है, पार्क भी बना सकती है, गवर्नमेंट इसको सब्सिडी के तौर पर प्रोवाइड कर सकती है, कुछ भी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, टैक्स में और सेस में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो भी आपका टैक्स बनेगा, उस टैक्स के ऊपर 4% की रेट से जो क्या लग जाएगा, एचईसी, बोल तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो जितनी बन रही है, ठीक है, और उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है सरचार्ज की वजह से, वो टैक्स अगर ज्यादा बन रहा है, तो आपको सेक्शन 89 के क्या मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो अगले स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, रिलीफ। अगर बनती है तो रिलीफ निकाल लेंगे, ठीक है। आपको जो याद करना है वो ये, रिलीफ का जो सेक्शन है वो सेक्शन 89, और रिबेट का जो सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा ये वाला रिबेट का, तो रिबेट का सेक्शन सेक्शन 87A, ये याद करके जाना, ठीक है। अब ये सब निकाल लिया। अब अगर मान लो प्रीवियस ईयर में ही अगर आपका कोई टीडीएस कट गया था, मान लो आपका टोटल टैक्स जो है, एग्जांपल मान लो आपका टोटल टैक्स बना 21,000 रुपए, ये आपका टैक्स बना, लेकिन आपका जो है वो मान लो 11,000 रुपए ऑलरेडी टीडीएस कट गया, या कोई एडवांस टैक्स आपने पे कर रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या है भाई, बनता तो टोटल मिला के पूरे साल का टैक्स कितना बनता है, 21,000, ऑलरेडी मैं कितना पे कर चुका हूं, 11,000, तो इसको काट दो यहां से, और बाकी जो बचा कितना बचा, 10,000, वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 13 जो है वो क्या बोलता है, देखो स्टेप नंबर 13 ये बोलता है कि अब हम यहां पे जो है वो क्या करेंगे, डिडक्ट टीडीएस, जो भी टैक्स निकल के ना उसमें से माइनस करेंगे टीडीएस को, या एडवांस टैक्स जो आपने पे किया हुआ है, ऑलरेडी आप पे कर चुके, पेड लिखना, जो हम पे कर चुके हैं उसको हम यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड, या फिर कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की कोई रिलीफ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो है आपका नेट टैक्स पेबल, जो आपको क्या करना है, पे करना है। तो ये है द बैलेंस, कटने के बाद ये डिडक्शन करने के बाद जो बैलेंस आएगा ना उसको बोलेंगे नेट टैक्स पेबल। ये अमाउंट हमें पे करना है, ये अमाउंट हमको क्या करना है, पे करना है। यहां तक ओके क्या, बोलो जी सर। अब ये जो अमाउंट आपको पे करना है इसको भी क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, याद रखो ओके। अब ये जो टीडीएस एडवांस टैक्स है इसके प्रोविजन जो है उसको डील करेगा ये अपना, ये देखो DDAA का ये हो गया, और ये टीडीएस एडवांस टैक्स ये, ठीक है। और करने के बाद आखिरी में अपने को क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है, उसको डील करेगा सेक्शन नंबर ये चैप्टर नंबर 21। देखो एंड मस्ट बी पेड बाय सेल्फ असेसमेंट टैक्स, खुद से हम टैक्स निकालेंगे, ठीक है, और उसको पे करेंगे, और फिर अपनी रिटर्न को जो है वो क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ये पूरा प्रोसीजर होता है, और एग्जाम के अंदर जो है पिछले से पिछली बार वाले में ये प्रोसीजर पूछा गया, बताओ कैसे इनकम का कंप्यूटेशन होता है, कितना ईजी है यार।
एक क्वेश्चन आपका कवर हो गया आज वाले में, बल्कि दो हो गए, क्या पता 87A का रिलीफ पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए भाई 87A के अंदर जो है वो क्या मिलता है, रिबेट किसको मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल को, और वो भी किसको, रेसिडेंट इंडिविजुअल को, लिख रखा है यहां पे स्पेशल, किसको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल को, ठीक है जी, मतलब ना तो HUF को मिलेगा, ना कंपनी को मिलेगा, ना फर्म को मिलेगा, किसको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल को, कब मिलेगा, अगर उस पर्सन की इनकम जो है वो 5 लाख या उससे कम है, और उसका जो भी टैक्स बनता है उसमें से 12,500 की उसको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A, यहां तक ओके क्या, बोलो जी सर, ये होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर। अब अगर इसको मैं देखता हूं, देखो ऊपर से शुरू करते हैं, सबसे पहले नंबर पे क्या क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, इसको डील कर रहा है चैप्टर नंबर, बोलो चैप्टर नंबर 3, कौन डील कर रहा है, चैप्टर नंबर 3 डील कर रहा है, ठीक है, फिर जो स्टेटस के बेस पर 5 हेड की इनकम निकालेंगे इसको डील कर रहा है चैप्टर नंबर 5 से 9, फिर अदर पर्सन की इनकम को भी जोड़ना है, इसके क्लबिंग का प्रोविजन आ गया, उसको डील कर सेक्शन नंबर 13, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का जो प्रोविजन है वो उसको डील करेगा सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 12, फिर उसके बाद में आपने इनकम को कंप्यूट कर लिया वो आएगी GTI, अब उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन 80C से TU, इसको डील करेगा चैप्टर नंबर 10, फिर उसके बाद में जो भी टैक्सेबल इनकम आएगा उसको 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे और उसके ऊपर क्या निकालेंगे, टैक्स। अब क्वेश्चन ये आता है, जो इनकम हमारे हमने कमाई है वो इनकम दो तरीके की, या तो वो है स्पेशल इनकम या है नॉर्मल, नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा स्लैब रेट से और जो स्पेशल इनकम पे टैक्स लगेगा स्पेशल रेट से, इसको डील करेगा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के अंदर सारे रेट रूट और चैप्टर नंबर 1 में मैंने सारे रेट रूट बता रखे हैं। आगे अब अगर SSC की टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख या उससे क्या है कम है तो उसको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A में, मैक्सिमम कितने 12,500 रुपए की। उसके बाद में फिर अगर कोई सरचार्ज बनता है वो ऐड करो, HEC वो ऐड करो, 89 की कोई रिलीफ है वो उसमें से क्या करना है माइनस करना है, और उसके बाद में अगर आपने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कोई TDS या एडवांस टैक्स आप कट चुका है तो उसको जो टोटल टैक्स बनता है उसमें से माइनस करना, बाकी जो अमाउंट बचेगा वो है आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है, उसको 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना और उसका गवर्नमेंट को भुगतान कर देना, बात खत्म। और उसके बाद में क्या करनी है, रिटर्न फाइल करनी है। तो लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 21, ये डील करता है आपका किसका, रिटर्न का। TDS एडवांस टैक्स इसको डील करता है चैप्टर नंबर 19 और 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है, समझ रहे हो क्या, बोलो यस सर। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ के जाना है, कितना सिंपल सा सिलेबस है बताओ, आज में हमने सिलेबस ही कर दिया पूरा, पूरा का पूरा सिलेबस यही है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये सिलेबस था जो आपको हमने बुक में दे रखा है। सबसे पहले रेट है, टैक्स किस रेट से पे करना है, फिर इंट्रोडक्शन हो गया तो सिंपल सा, टैक्स लाइबिलिटी पहले निकाल लो, एग्रीकल्चर इनकम हमने निकालनी है, ये 5 हेड हो गए, इनकम और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, PGBP, फिर टैक्स जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी उसमें से माइनस करेंगे, जो GTI होगी उसमें माइनस करेंगे डिडक्शन 80C से TU, फिर EMT के प्रोविजन है, फिर क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन है, फिर एग्जेम्पशन आ गया इधर, फिर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और आपका ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया इधर, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग और मैट के प्रोविजन आ गए, और फिर नीचे आपके TDS एडवांस टैक्स और आपके आगे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये है टोटल आपका सिलेबस जो आपको पढ़ के जाना है, समझ में आया, बोलो यस नो, यस सर। अब चैप्टर नंबर 1 को मैं शुरू कर देता हूं, थोड़ा सा एक बार आपको मैं करवा देता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, ओके जी। तो ये आपका सिलेबस है, आई होप आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि मेरा सिलेबस क्या है, और जो फाइनेंस एक्ट आपको पढ़ के जाना है वो क्या, फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, ओके जी सर। आओ देखेंगे जल्दी से चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जब आप आएंगे तो इस तरीके से आपको जो है वो मिलेगा, ये अपना बुक है, और बुक के जब चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे तो इस तरीके से आपको यहां से चार्ट से जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। आइए थोड़ा थोड़ा एक बार जल्दी से हम पढ़ते हैं, कुछ चीजें आप आपको याद आ गई होंगी जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी हैं, कुछ चीजें बस याद आ गई होंगी, ठीक है ना। मैं उम्मीद नहीं करता बिल्कुल भी कि आपको आता है, मैं ये मानता हूं आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बिल्कुल बेस से बताऊंगा। तो अगर आप ये समझ के पढ़ोगे ना कि हाँ हम बेस से, भाई हमें कुछ नहीं आता, सर जो पढ़ा रहे हैं हमको उसी तरीके से उसको जो है पढ़ना है, तो मैं आपको ये बोलता हूं, एक तो चीजें याद रहेंगी और कल को जब आप पढ़ाने जाओगे बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो आप जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। टैक्स जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका टैक्स होता है क्या सर, ये कंपलसरी पेमेंट होती है जो हमको करनी पड़ती है किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। टैक्स कितने तरीके का, दो तरीके, एक है डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जाम्पल क्या है, GST। अब एक होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एक होता है इनकम टैक्स लो, हमको जो पढ़ के जाना है वो है इनकम टैक्स लो। इनकम टैक्स लो एक बहुत ही वाइड टर्म है, उसमें टोटल मिला के 5 चीजें आती हैं, ध्यान देना। एक होता है, ध्यान देना, एक होता है इनकम टैक्स एक्ट और एक है इनकम टैक्स
लो, इनकम टैक्स लो का दायरा बहुत बड़ा है और ये इनकम टैक्स एक्ट जो है वो ये क्या है, इसका पार्ट है, इसका क्या है, पार्ट है। तो इनकम टैक्स लो का दायरा बहुत ही क्या है, बड़ा है और इनकम टैक्स एक्ट पार्ट है किसका, इनकम टैक्स लो का। अब इनकम टैक्स लो में क्या आएंगी, टोटल मिला के पांच चीजें। सबसे पहले एक तो आपको पढ़ के जाना है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को, सब कुछ पढ़ाएंगे। दूसरा पढ़ना है एनुअल अमेंडमेंट हर साल, क्योंकि देखिए जो हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 निकाला, जो अपने को पढ़ के जाना है, इसमें प्रोविजन जो है वो तो हमने एक्ट बनाया तो वो प्रोविजन डाल दिए, लेकिन हर साल जो है अमेंडमेंट आती है। तो अमेंडमेंट जो है, गवर्नमेंट जब अमेंडमेंट लेके आती है वो लाएगी बजट में, और बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डॉक्यूमेंट डालती है जिसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। उस फाइनेंस बिल के जरिए गवर्नमेंट जो है वो अमेंडमेंट लेके आती है टैक्स रेट्स के अंदर, ठीक है। और वो फाइनेंस बिल जो है जब पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तो वो बन जाएगा एक्ट, उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। तो आपको रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट भी पढ़ के जाना है। तो एक तो पढ़ के जाना है इनकम टैक्स एक्ट, एक पढ़ना है एनुअल अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट, और हमारा जो फाइनेंस एक्ट है वो कौन सा है, फाइनेंस एक्ट 2023। यहां तक ओके, यस सर। फिर आएंगे इनकम टैक्स रूल। अब ये रूल बेसिकली क्या है, देखो इनकम टैक्स को पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया, पार्लियामेंट के अंदर जो है इनकम टैक्स एक्ट जो है पारित करवा दिया गया। जब इनकम टैक्स एक्ट बनाया, अब कोई बॉडी तो होगी ना जो इनकम टैक्स एक्ट जो पार्लियामेंट ने बना दिया है उसको रन करेगी। तो इनकम टैक्स एक्ट को रन करने के लिए हमने एक बॉडी बनाई जो मेन बॉडी है जो उसको गवर्न करेगी, उसको बोलते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सीबीडीटी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इनकम टैक्स रूल्स जो है वो क्या करता है, फ्रेम करता है, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रूल। पहली बार जो रूल बनाए गए वो 1962 में बनाए गए, इसलिए इसका नाम ही रख दिया इनकम टैक्स रूल 1962। तो इनकम टैक्स एक्ट, ये देखो इनकम टैक्स एक्ट है ना पहला, इसके प्रोविजन को अप्लाई करवाने के लिए सीबीडीटी इनकम टैक्स रूल बनाता है। ध्यान देना, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई करवाने के लिए सीबीडीटी इनकम टैक्स रूल बनाता है। ओके जी, एक आपको पढ़ के देना है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड क्लेरिफिकेशन। अब अगर मान लो इनकम टैक्स निकालते हुए कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, तो वो सब आपको जो है वो नोटिफिकेशन या सर्कुलर के अंदर जो है वो जारी किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कौन जारी करता है, सीबीडीटी, ठीक है जी। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई है उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, ठीक है ना, एक कोई प्रोविजन डाल दिया उस प्रोविजन को कैसे लगाना है, उसके लिए जो है वो क्या है, क्लेरिफिकेशन है। और ये कौन देता है, सीबीडीटी, ठीक है जी। फिर आपको पढ़ना है जुडिशियल डिसीजन। कई बार कोई मामला कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं वो भी अपने को थोड़े बहुत पढ़ के जाने हैं। सब चीजें इस बुक के अंदर है, बस ये पढ़ के चले जाओ, 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे बिल्कुल, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन ये आता है कि किसके पास में पावर है सर। अब देखो अपना जो देश है वो एक फेडरल कंट्री है, हमारा जो देश है वो क्या है, फेडरल कंट्री। और फेडरल कंट्री का मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ पे जो है अपने देश के अंदर जो है अलग अलग क्या है, पार्ट्स हैं। हमारे यहाँ पे स्टेट भी है, हमारे यहाँ पे जो है वो यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो देश है वो अलग अलग भागों में विभाजित है, ठीक है ना। तो जिनको स्टेट्स भी हैं और हमारे यहाँ पे क्या, यूटी भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकम टैक्स का पैसा जो आएगा सरकार के पास में वो कौन सी सरकार के पास में आएगा, क्वेश्चन ये है, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा या वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास में आएगा। अब इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट को पास किसने किया। आइए थोड़ा समझते हैं, हु हैज द पावर टू कलेक्ट और लेवी टैक्सेस, भाई किसके पास में पावर है टैक्स का पैसा इकट्ठा करने का। तो यहां पे देखो इंडिया के अंदर कोई भी कानून अगर बनाना है तो कानून बनाने की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, बोल तो संविधान के पास में। तो इंडिया में अगर कोई भी आपको कानून बनाना है तो कानून बनाने की पावर किसके पास में, कॉन्स्टिट्यूशन के पास में। और कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर को डेलीगेट कर रखा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई बंदा तो है नहीं, कोई इंसान तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है ना, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर को जो है वो क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया, किसमें, आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक पेरेंट लॉ है, जो भारत का जो संविधान है वो पेरेंट लॉ है। एनी लॉ, कोई भी लॉ इंडिया में अगर आपको बनाना है तो वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन के आप इंडिया के अंदर उसको बना नहीं सकते। तो इंडिया में अगर कोई भी कानून बनाना है तो आपको पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आप जो है वो कोई भी क्या करोगे, कानून बनाओगे। तो मतलब इंडिया में कानून बनाने की पावर किसके पास में, संविधान के पास में, लेकिन संविधान ने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया, बोले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग लोगों के बीच में। अब क्या बोलते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 246 है वो अपनी पावर जो है टैक्स लगाने की पावर उसको क्या करता है, डेलीगेट करता है शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग। और शेड्यूल 7 में जो अलग अलग मुद्दे थे उनको तीन लिस्ट में जो है वो क्या किया गया, डिवाइड किया गया। शेड्यूल 7 में जो अलग अलग जो मुद्दे हैं, अलग अलग जो आइटम्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो इश्यूज हैं उनके ऊपर कानून बनाना है, तो उन इश्यूज को जो है वो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। बहुत ही डेप्थ की बात है, लेकिन आपको बेसिक एक चीज जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, ये ध्यान रखना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 246। देखो जो एक्ट होते हैं उनमें जो बातें लिखी जाती है वो लिखी जाती है सेक्शंस में, जो एक्ट होते हैं उनमें बातें लिखी जाती है सेक्शंस में, और जो अपना संविधान है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो बातें लिखी जाती है वो लिखी जाती है आर्टिकल्स में। किसमें? आर्टिकल में। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 246 है वो ये बोलता है कि अलग अलग मुद्दों पे कानून बनाने की जो पावर है, हम तीन लिस्ट आपको जारी कर रहे हैं और उसके थ्रू आप बनाइएगा। एक है यूनियन लिस्ट, अगर कोई मुद्दा यूनियन लिस्ट में आ गया तो इस पे कानून बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास में, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई मुद्दा स्टेट लिस्ट में आ गया तो इस पे कानून बनाने की जो पावर है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। और अगर कोई मुद्दा कंकरेंट लिस्ट में आ गया तो इस पे कानून बनाने की पावर किसके पास में? दोनों के पास में। लेकिन अपर हैंड हमेशा किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें दोनों गवर्नमेंट मिलकर के जो है वो क्या करेंगी? कानून बनाएंगी। याद रखो, क्या बोलो? जी सर। तो अपने यूनियन लिस्ट में ही एक एंट्री करके, एंट्री नंबर 82, और उसमें लिख रखा है कि इंडिया में इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की जो पावर है वो किस में डाल दी? यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट अगर बोल दिया तो इस पर कानून बनाने की पावर किसके पास में? पार्लियामेंट, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि अपने देश में जो भी इनकम टैक्स का पैसा लोगों से लिया जाता है वो सब किस पे जाता है? केंद्र सरकार के पास में। किसके पास में? केंद्र सरकार, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ओके, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर ये जो पैसा हमसे लिया जा रहा है इनकम टैक्स का, ये किसकी, किस सरकार के पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट के पास में? तो ये जाता है किसके? सेंटर के पास में। क्योंकि इस मुद्दे पे कानून बनाने की पावर किसके पास में? सेंटर के पास में। क्योंकि ये मुद्दा किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। एंट्री कौन सी है? एंट्री नंबर 82। और 82 में क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो भी इनकम है उस पर जो टैक्स है वो कौन चार्ज करेगा? वो उसका मुद्दा किसमें डाल दिया? यूनियन लिस्ट में। तो उसके ऊपर काम कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके जी सर। अब हर साल जो है कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आती है, वो अमेंडमेंट जो है वो कैसे लेके आएंगे? हर साल बजट आता है, बजट के अंदर एक डॉक्यूमेंट हम पेश करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंस बिल। ठीक है ना, तो बोलते हैं अमेंडमेंट जो आएंगे हर साल, इट कम्स विद बजट एंड द पेपर, और जो पेपर प्रिपेयर किया जाएगा उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। इस फाइनेंस बिल को हम लोग प्रेजेंट करते हैं कहां पे? पार्लियामेंट में। और वो जब वहां से वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। ओके जी सर। आगे अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये प्रोवाइड करती है फंड्स। इसका मेन काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करना। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल मिला के जो है ये पांच अलग अलग डिपार्टमेंट है। इनमें से एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करके देता है, और इस डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर दो हमने अलग अलग बोर्ड बना रखे हैं। डायरेक्ट टैक्स को संभालने के लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है सीबीडीटी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं जीएसटी को संभालने के लिए एक बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो डायरेक्ट टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? सीबीडीटी। मतलब अब इनकम टैक्स की बात करेंगे तो उसके ऊपर जो मेन बोर्ड है हमारा वो कौन है? सीबीडीटी। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको गवर्न करने के लिए एक बोर्ड बना रखा है वो है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ओके बोलो। जी सर, ये था हमारा आज का बेसिक जो आपको मैंने पढ़ाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार यहां से मैं दोबारा बता दूं थोड़ा सा, टैक्सेस दो तरीके के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने देख लिया। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट का एग्जांपल क्या है? जीएसटी। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट और लॉ दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पार्ट है किसका? इनकम टैक्स लॉ का। इनकम टैक्स लॉ का दायरा बहुत ही क्या है? बड़ा है। इनकम टैक्स लॉ में टोटल मिला के पांच चीज आती है। क्या क्या आता है? इनकम टैक्स एक्ट भी आएगा, हर साल के अमेंडमेंट बोलते हैं फाइनेंस एक्ट भी आएगा, तीसरे नंबर पर क्या इनकम टैक्स के रूल्स भी आएंगे, चौथे नंबर पर जो है वो क्या सर्कुलर नोटिफिकेशन भी, और पांचवें नंबर पर क्या जुडिशरी के जो डिसीजन है वो भी आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है अपने यहाँ पे कानून बनाने की पावर किसके पास में, इनकम टैक्स लगाने की पावर किसके पास में? तो उसके लिए सबसे पहले ये बोला गया पेरेंट जो लॉ है, जो मेन बॉडी है वो क्या है? संविधान। और संविधान ने अपनी जो पावर है वो आर्टिकल 246 के अंतर्गत जो है वो क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया, डेलीगेट कर दिया शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में टोटल मिला के तीन लिस्ट है, यूनियन, आगे यूनियन के बाद में स्टेट, और तीसरी कौन सी? कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में एक एंट्री डाली गई एंट्री नंबर 82, और वो क्या बोलती है कि इंडिया में टैक्सेस
ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, इसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसके पास में? यूनिलिस्ट। और यूनिलिस्ट का मतलब क्या? पार्लियामेंट, बोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपने देश में जो भी इनकम टैक्स का पैसा होता है वो सब किसके पास में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, आप बात करिए हर साल के अमेंडमेंट का। तो हर साल जो भी अमेंडमेंट होती है तो वो बजट के जरिए लेके आएंगे और बजट में एक डॉक्यूमेंट हम डालेंगे, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं फाइनेंस बिल। उस फाइनेंस बिल को जब हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर एक मिनिस्ट्री काम करती है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मिनिस्ट्री का मेन काम जो है वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे इकट्ठा करके देना। और उस मिनिस्ट्री के अंदर टोटल मिला के 5 डिपार्टमेंट है, उनमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू जो है वो पैसे इकट्ठा करके देता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसा प्रोवाइड करती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके जी, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, इसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर दो अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। डायरेक्ट नेचर के टैक्सेस को गवर्न करने के लिए एक बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है सीबीडीटी। इनडायरेक्ट नेचर के टैक्सेस को गवर्न करने के लिए एक बोर्ड बना रखा है जिसका नाम है सीबीआईसी। ओके क्या बोलो? जी सर, खत्म। ये था आज का हमारा बेसिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था पहला लेक्चर अपने इनकम टैक्स का, इसको आप जो है वो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके आगे का जो टॉपिक है ना अपना, ये सब फाइनेंस एक्ट 2023, इसके सारे ये प्रोविजन, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो बताइएगा। बाकी अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।